अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द लास्ट डे ऑफ दिस वीक। आज हम लोग मैथ में नंबर ऑर्डर करेंगे, थोड़ा सा हम नेचर पढ़ेंगे एंड देन आल्सो सम हिस्ट्री। एंड याहिया को सुबह सुबह पायलट बनने का शौक हुआ, पहले तो मेरा मूड नहीं हुआ लेकिन मैंने गूगल किया और बहुत ही ईजी कुछ प्रॉप्स मिले तो मैंने कहा ये तो बड़ी जल्दी तैयार हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग हियर इन द वीडियो। जयादी लुक हियर। तो मैथ का शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथ में ये मेरे पास कुछ टैली स्टिक्स कार्ड्स हैं, ये जो इसका राइट स्टार्ट करिकुलम था उसके साथ ही आए थे, पर अगेन दे आर वेरी इजी टू मेक, यू गाइस कैन जस्ट मेक इट, घर पे बना सकते हैं। पेपर पे इस तरह से जो है आप ड्रॉ करें लाइंस एंड देन उनको फिर लैमिनेट कर लें एंड देन यू विल हैव दीज कार्ड्स रेडी। 1 to 10 के कार्ड्स हैं, ठीक है। अब ये 1 इसमें क्या करना है, आपने बच्चों को बेसिकली आपने बताना है कि पहले 1 स्टिक रखो। इट्स वेरी इजी, आई डोंट थिंक मैंने नया को इस 1 से शुरू करूँगी, बट देन 2 दिखाओ मुझे एंड देन 3 दिखाओ एंड देन 4। अभी आपने उसने 4 दिखा दिया, अब जब आपने उसको 5 दिखाना है ना, जब बच्चे ने आपको, तो आपने क्या करना है कि उसको इस तरह से रखना सिखाना है कि 5। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ का ग्रुपिंग का, तो इसके थ्रू ये सिखाया जाएगा कि ये ग्रुपिंग का। अब ये 5 हो गया, अब बच्चों का बोने की थ्रू कैन यू शो मी 5 मोर, तो फिर इसी तरह से वो रखेगा दोबारा से 4 एंड देन अगेन ही इज़ गोइंग टू डू दिस। सो अब नाउ ही हैज़ लाइक 5 and 5, टोटल 10। तो 10 की एक रो बनेगी। अब आप बच्चा ओबियसली बड़ा जैसे ही दिया है या को मैं ओबियसली 1 से तो नहीं शुरू करूँगी, तो अगेन आस्क हिम टू, जब उसको ये पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरह से ग्रुप बनाना है आपने 5 का, तो अब मैम ने आस्क में नंबर लाइक 15, तो फिर अब एक वो 10 की जो है ना एक ही रो बनानी है, 15 आगे कंटिन्यू नहीं करना। तो 10 हो गया ये, अब नेक्स्ट रो में फिर इज गोइंग टू डू दिस अगेन एंड फिर वो दिखा देगा कि ये 15 हो गया है, सही है, लाइक दिस। या सो दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्टिविटी। सो आई आस्क याया टू मेक द नंबर 8 एंड याया इज मेकिंग 8। आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग, ये हमने बहुत पहले की थी एक्टिविटी, काफ़ी पहले। या वेरी गुड, दैट्स 8। सो आवर एक्टिविटी 2 विद द टैली कार्ड्स इज टू अरेंज दीज टैली स्टिक कार्ड्स इन ऑर्डर। So that's what Yaya is doing. Where's 5 of 5? These are again very light activities, but obviously there's still a lot of revision in it. Good work. Okay, so our third activity with the tally sticks is that I'm going to mix 2 cards, and जैसे हमने finger cards के साथ जो की थी, क्या हम तब क्या उसको फिक्स करें, कैन यू फिक्स इट, फिक्स दिस प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। आई नो व्हाट इट इज। ओके, शैल बी देम, दिस वन इज, दैट वाज फास्ट, गुड, नाउ कैन यू मिक्स इट अप फॉर मी। क्या को प्रिय शौक होता है कि मैंने मामा, मैं भी करूंगा, फिर मामा जो है वो सॉल्व करेंगे। आई नीड मोर। ओके, कैन डू यू हैव मोर? नो, वी जस्ट हैव फ्रॉम 1 to 10। आर लास्ट एक्टिविटी इज, हमारे पास ये एक सेट है 1 to 10 टेली कार्ड्स का, देन ये एक और सेट है, इनको वी गोना मिक्स देम अप, दीज आर 2 सेट्स एंड वी आर गोइंग टू प्ले द गेम मेमोरी गेम, जिसमें हम सबको उल्टा रखेंगे और जिसको जिसके सबसे ज़्यादा कार्ड आखिर में इकट्ठे होंगे, यू हैव टू मैच। नो नो नो, इट्स अनदर गेम। ओके, लेट मी शो यू गाइस। ओके, इसी सब हमने अरेंज कर लिए, पहले 2 सेट थे कार्ड्स के, उनको हमने मिक्स करके ऐसे रैंडम अरेंज कर लिया। वेट, अब ये इसमें करना ही है बेसिकली, मेरी अगर पहली बारी है तो लेट्स सी, आई एम गोना डू, इसको करूंगी, ये 4 है एंड देन आई विल जस्ट रैंडम को उठाऊंगी, तो ये अगर नहीं है तो आई एम गोना इसको वापस रख देंगे एंड देन फिर दूसरा अपनी बारी करेगा, अब दूसरा भी ट्राई करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये, फॉर एग्जाम्पल ये उसने किया एंड देन ये, ओह 4 है ये, अब वो अपने पास रख लेगा, अब उसकी दोबारा बारी होगी, फिर वो एक और टर्न लेगा, अगर उसका दोबारा मैच हो जाता है तो अपने पास रख लेगा, फिर दोबारा बारी होगी, नहीं मैच होता तो फिर अगले बंदे की बारी, आखिर में जिसके पास ज़्यादा कार्ड्स होंगे वो जीत जाएगा। या सो दैट्स द गेम।
ओके सो दिस इज़ आवर हिस्ट्री. हिस्ट्री में आज बेसिकली, वैसे मेरा पहले प्लान था कि मैंने स्किप करना है ये वाला पार्ट, लेकिन मुझे ख्याल है कार्टून्स भी तुम कर सकते हैं, बच्चे इतने कार्टून्स देखते हैं, तो हम इसकी जगह मूवी के बजाय कोई एनिमेशन मूवीज़ बच्चे तो नहीं देखते थे उस एज में, लेकिन ये है कि कार्टून्स जैसे कि ब्लिपी, स्टीवन मैगी एंड पोरोरो, और कौन से कार्टून्स था, पेपा देखता था, इस तरह के काफ़ी सारे कार्टून. You don't know what the cartoon is. Yeah. तो ये हिस्ट्री में है कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसने बताया है कि मूवी दैट केम आउट व्हेन आई वाज अ बेबी, कौन सी मूवी उस दौरान रिलीज हुई थी एग्जैक्टली. 2016 में जैसे यहाँ पैदा हुआ तो वो तो ज़रा ढूंढना मुश्किल है, लेकिन हम उसके उस ईयर अराउंड दैट ईयर लाइक 2015 या 2017 2018 उसमें कोई ऐसी जो मूवी आई थी, जो कार्टून मूवी या कार्टून्स जो याया शोक्स देखता था, मैं उसको वो बताऊँगी. एंड देन देयर वाज आल्सो अ सॉन्ग, तो ये वाले भी अगेन मैंने पहले तो स्किप करना था, बट देन अगेन आई थॉट के यू नो व्हाई नॉट समथिंग दैट ही यूज्ड टू वॉच, लाइक बेबी शार्क उस टाइम में आया था. एक्चुअली आई थिंक बेबी शार्क की जो एग्जैक्ट डेट है वो 2016 जून ही है, लाइक व्हेन याया वाज बॉर्न. बट एनीवेज अगेन एग्जैक्ट डेट मैटर नहीं करती, सिर्फ आपने हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट देना है ना बच्चे को इसमें. तो उस दौरान जो भी कोई मूवी या कोई सॉन्ग आया था, तो यू गाइस कैन टेल द चाइल्ड एंड देन इफ यू वांट्स टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ दैट दैट्स ओके, अगेन यू वांट्स मी टू राइट समथिंग, तो वो भी हम कर सकते हैं. अच्छा जी, याया का मूड हो रहा है कि मैंने स्टीवन मैगी लिखना है, ड्रॉ नहीं करना, तो आई एम जस्ट गोना लेट हिम डू दैट. ऑब्वियसली मेरा दिल तो चाह रहा था कुछ ड्रॉ करिए, लेकिन अगेन आपने फोर्स नहीं करना बच्चे को, जो वो करना चाह रहा है उसको वैसे करने दें. हो सकता है अगली जब हमारी एक्टिविटी हो नेक्स्ट वीक की, तो उसमें फिर उसका ड्रॉ करने का दिल जाए. नाउ यू ट्राई डी D, A and D, remember? And D. Yeah. Yeah, letters itne bade chote different dikhe. But I'm trying not to. A, G, E. Stop him. I. First I, then E. I, how do you write I? Do it smaller than that. You can do a dot here, then it will be an I. Then now E. Yes, after that E. अच्छा जी, याया को बेबी शार्क मैंने एक वीडियो ढूंढी है जिसमें वो इस तरह की काफ़ी वीडियोज़ आपको मिलेंगी जो बच्चों को ड्रॉ करना सिखाते हैं यू नो स्टेप बाय स्टेप. तो और उसको फिर वीडियो का अगर आप ऐसे क्लिक करें ना इसके ऊपर, यहाँ पर साइड पे एक ऑप्शन होता है, है कि नहीं, आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस. ये जो है ना यहाँ पर प्लेबैक स्पीड, इसको आप क्लिक करें, देन आप उसकी स्पीड ये ऊपर सबसे कम कर दिया मैंने, उसकी जो थोड़ी ज़्यादा कम लग रही है 0.5 सेकंड कर देते हैं. इससे क्या होता है कि वीडियो स्लो हो जाती है. तो अब यही बड़े जो है देख देख के ध्यान से बना रहे. Yeah, I'm right. Yeah, you're right. She will make another circle in those circles. Yeah, guys, is actually really good. वैसे इसकी ड्राइंग में थोड़ी मुश्किल होती है, साथ साथ खुद ही वो पॉज भी कर रहे हैं वीडियो. मैंने उसको ये कहा कि पहले उसको एक दफ़ा देख लो कि वो क्या कर रही है, नन बनाओ. My dad. Yeah, very nice. Play it. Play the video again. Yeah, ने बड़ी मज़े की बनाई है शार्क. नीचे इसकी जो टेल है वो मैंने बनाई है, बाकी आया ने बनाई है देख. अच्छा आया, रिमेंबर SNH makes the sound shh. And we are using the sound A here, so sh, A. What's the next sound? Shark. Shark. Is it the right word I did? What's the next sound? Yeah. Is it right? R. Sh, A, R, K. Right, R. K, K. This is the K. Now blue. Good. Yay. Okay. It was... It got popular in 2016, exactly the year you were born. Baby, can you sing it to me? Baby shark. Baby shark, do 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 do. Baby shark. Can you sing with me? Why are you shy? Okay, guys. So, हमारी nature science में जो हम animal families discuss कर रहे थे ना story में, आप लोगों को थोड़ी सी सुनाई थी पिछले दिनों. So उसकी अब activity ये है कि आप जिस area में रहते हो वहाँ कौन कौन सी families हैं. ख ए ओके यार, that was a C ख, but it's okay. तो यार draw के बजाय ये लिखना चाह रहे हैं, नहीं तो ये उन्होंने जो sections बनाए हुए हैं ये जो
स्पेसिस जो इन्होंने दी हुई है इसमें, यह था कि आप ड्रॉ करें वो पिक्चर जिस फैमिली की कैट फैमिली है. मैं ऐसे पूछी थी यार डू वी हैव अ जिराफ फैमिली हियर, एंड यार वाज लाइक नो वी डोंट हैव अ जिराफ फैमिली, एंड ही सेड कि वी हैव कैट फैमिलीज हियर, सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैट्स. मामा व्हाट स्टार्ट्स विद फैमिली. मज़े की बात यह है कि हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे बोर्स एंड जैकल्स होते हैं एंड दे आर लाइक वेरी कॉमन जी, यही कि मैं आपको नज़र आ रहे होते हैं लिटरली बोर्स के ग्रुप्स आपके साथ साथ ही होते हैं, बट दे हैव अडैप्टेड हियर सो वो दे डोंट अटैक यू. बट यह है कि आपको शाम के टाइम बोर्स और उनके छोटे छोटे जो है बच्चे लिटरली पार्क में चलते हुए आपको नज़र आ रहे होते हैं, दे आर क्रॉसिंग द रोड्स इन फ्रंट ऑफ अस. एंड जैकल्स बहुत नज़र आते हैं यहाँ पे रात में, काफ़ी शोर होते हैं. आई एम शो यू गाइस अगर मुझे कभी मौका मिला तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है क्योंकि जैकल एक्चुअली डॉग फैमिली में आता है, सो वी कैन राइट हियर दैट वी हैव लाइक डॉग फैमिली हियर. एंड देन आपको याद होगा कि मुझे एक्चुअली नाम भूल गया, बोर्स जिस फैमिली के तो वो उसकी फैमिली थिंक क्या था, मैंने आपको दिखाया भी था कि प्रोनाउंसिएशन उसकी चेक करी थी, मैंने चेक किया अगेन तो उसकी फैमिली भी हमारे पास है. Oh yeah, yeah, देखो boar लिख दिया है. Yeah, boar and jackal. Yeah, but which family is jackal from? Is he from the cat family or is it from the dog family? From the dog family. It's kind of a dog. I already said dog. Yeah, but what about fox? Is he also from the dog family? No. Yes. Yes. Fox, wolves. It was better कि अगर आप यहाँ पे जैकल बनाने की कोशिश करते हैं नीचे हम डॉग फैमिली लिख देते. एंड डू वी ऑल्सो हैव समथिंग दैट फ्लाई इन द एयर, व्हाट फैमिली आर दोस, व्हाट फैमिली इज दैट द वंस दैट फ्लाई, डू यू नो, बर्ड फैमिली ऑब्वियसली नॉट अ डायनासोर टेरोडैक्टाइल फैमिली. या सो बर्ड फैमिली आई गेस हम एक करेंगे एंड एक हम व्हाट एल्स डू वी हैव हियर. We're gonna think about it. और क्या है, और मैं आपको दिखाऊंगी भी जाके हम बाहर जाएंगे. I'm gonna show him के look that's a bird family and that's a jackal. Mama, look, there's one boar and he wants to see us. Yeah, there's a bird crow sitting. Can you show it to other people? Yeah, I'm gonna show it to your friends. A crow. She's resting because it's so hot right now. ओके गाइस सो हम वी आर डन विद दिस. इट्स अ बिट बोरिंग थी यहाँ, यह लिख रहा था इसको ऐसे थोड़ा सा बोरिंग था, ड्रॉ करता तो शायद फन होता. एनी वेज एनी हैड कैट, कैट हमें पता नहीं मैं कौन सी कैट्स नजर आती हैं यहाँ पे, बट एनी वेज जस्ट रोड कैट एंड वो कैट फैमिली से है. बोर ये आई ने खुद लिखा है कम्प्लीटली, दैट्स फ्राम द सोवराय फैमिली है, को नाम याद हो रहे हैं वैसे ऐसे ऐसे सोवराय. दैन देर इज जैकल जो कि डॉग फैमिली से हैं, एंड को जो हमारे अभी सामने बैठी हुई थी दैट्स फ्रॉम द बर्ड फैमिली, एंड काउ हमने सर्च किया इट्स फ्रॉम द फैमिली बोवडाई, या इसको बोवडी भी बोलते हैं. दिस वाज फन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एनिमल्स. यू गाइस नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, फी मान अल्लाह.